वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज साइन गोस। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहां पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन दैट इज ऑन फ्राइडे 1st of September निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। साथ ही साथ हम मार्केट का कंडीशन जानने का कोशिश करेंगे कि मार्केट अभी किस सेंटिमेंट को शो कर रहा है, यहाँ पे बायर्स ज्यादा है ना सेलर्स ज्यादा, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज के दिन हम कौन से स्टॉक पिकअप कर रहे हैं कल के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम हर बार की तरह बैंक निफ्टी को स्टडी करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया है डेली टाइम फ्रेम। देखो अब हमने क्या स्टडी किया था, ध्यान से देखो कि मार्केट हमें कब करेक्ट प्रूफ करता है, कब हमें रॉन्ग प्रूफ करता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने हमें रॉन्ग प्रूफ कर दिया, ठीक है। हमने यही स्टडी किया था कि मार्केट नॉर्मली जब डाउन ट्रेंड आता है यहाँ से अप मूव कर देता है। देखो यहाँ से स्लो एंड स्टडी या हायर हाई बना के या हायर लो बना के जा रहा था, राइट। मैंने आपको फिर क्या बोला, ये जो लो है ये सब ब्रेक नहीं होना चाहिए। आज के दिन मार्केट ने ये लो एटलीस्ट ब्रेक कर दिया, साथ ही साथ ऑलमोस्ट जो प्रीवियस लो है यहाँ आके इसने क्लोजिंग कर दिया। दिस इज अब स्लाइटली बोल सकते हैं 10-20% चांस कि हमारा जो अजम्पशन है वो गलत अभी हो रहा है। 10-20% में 100% नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैसिव मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा अगर ये लो ब्रेकआउट होता है। साथ ही साथ अगर ये लो ब्रेक होता है तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, राइट। तो ये तो प्लानिंग हमने देखा कि अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली हम कोई बेरिश टाइप ऑफ ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक और आइडिया देना चाहूंगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कभी मंथली प्ले आउट करते हैं, कभी वीकली प्ले आउट करते हैं, मतलब वीकली कोई ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बट जस्ट बिकॉज मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग हो जाता है तो ऐसा टाइप का कोई स्ट्रेटेजी हम वहाँ पे नहीं बना सकते जो रेंज बाउंड के लिए होता है, वो थोड़ा सा डायरेक्शनल खेलना पड़ता है। अब डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले ले अपोजिट में तो वहां मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि मार्केट अभी स्लो एंड स्टडी क्या जाता है, अगर नीचे की तरफ आता है तो कोई पोजीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता, कब बनेगा वो भी डिस्कस करेंगे जब टाइम आएगा। अभी एंट्री लेके कोई फायदा नहीं है, प्रॉपर वेट करना है कि मार्केट यहां से रिवर्स करता है ना फर्दर गिरता है, बस हमें वेट करना है कि इस लेवल के आसपास क्या रिएक्शन दे रहा है, राइट। चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, अब देखते हैं कि आज का मार्केट कैसे परफॉर्म किया और नेक्स्ट दिन का क्या पॉसिबिलिटी है। ध्यान से देखो आज के दिन मार्केट ओपन कहां हुआ, एकदम गैप अप ओपनिंग। मैंने आपको कल ही बोला था कि गैप ओपनिंग होने के बाद सेलिंग का सिनेरियो बहुत ज्यादा रहेगा। 41,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एग्जैक्ट मार्केट नीचे आया, 44,100 का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर भागा, 44,400 का रेजिस्टेंस लिया, मतलब इसी एक कैंडल के अंदर इसने 300 पॉइंट का मूव कर दिया। स्लो एंड स्टडी डाउन साइड आते आते इसने ऑलमोस्ट जो लो बनाया बैंक निफ्टी ने दैट इज अराउंड 43,900, यहां तक का इसको मार्केट ने लो बनाया, राइट। तो जितने भी सेलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया यहाँ पे। अब एक चीज देखना है हमें कि नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन कहां होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का देखो लास्ट में हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग आया। देखो लास्ट में क्या हुआ है, जो सेलर्स मार्केट में बैठे हुए थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया या उन्होंने पोजीशन एग्जिट किया। जब ये पोजीशन एग्जिटिंग होता है तभी लास्ट में ऐसा साइडवेज मार्केट होता है और ये बहुत खतरनाक चीज होता है। ये कभी कभी ये भी शो करता है कि मैं इसके बाद ट्रेंडिंग जा सकता हूं या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड। तो बस यही हमें देखना है कि कल ये लेवल अपसाइड ब्रेक होता है ना डाउनसाइड ब्रेक होता है तभी कोई बिगर मूव हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा जूम करेंगे चार्ट को, अब बेस्ड ऑन ओपनिंग हम अपना प्लानिंग बनाएंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, मैं यहीं से बनाता हूँ, यहीं पे एक लेवल है, दिस इज अराउंड 44,100। देखो कल अगर हमने देखा कि मार्केट गैप ओपनिंग होता है राउंड अबाउट 44,200, 44,300 मैक्सिमम चांस यही होगा यहाँ पे ओपन होने के बाद कि मार्केट फॉल करे। आपको बस देखना है फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई बेयरिश कैंडल बना रहा है कि नहीं बना रहा, या मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन देके फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ऐसा करता है तो सेलिंग सिनेरियो देख सकते हो। जब तक बैंक निफ्टी 44,400 के नीचे है देयर इज अ हायर सिनेरियो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव रहने वाले। वैसे भी कल फ्राइडे है, न्यू एंट्री मार्केट में बनता है तो कल थोड़ा डिसाइडिंग होगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, वो कल का डिसीजन होने वाला, ठीक है। उसके बाद तो डेफिनेटली दोपहर को मैं अपडेट करूंगा और कल के इवनिंग वीडियो में अपडेट करने वाला हूं कि क्या फर्दर मार्केट का सिनेरियो हो सकता है। फाइन, ये तो हमने देखा, चलो गैप अप का सीन। अच्छा, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है क्या करना है, वेट एंड वॉच करेंगे, वेट करेंगे कि 43,900 ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है कि नहीं होता। अगर हमने देखा कि मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक करके अपना ब्रेक डाउन फॉलो थ्रू करता है तो हम यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, मतलब इन केस ऑफ ऑप्शन आप कॉल सेल करके जा सकते हो या पुट बाय करके जा सकते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मार्केट इस साइडवेज ओपन होने के बाद अपसाइड में नॉट दिस हाई, इस हाई को नहीं, सीधा आपका 44,150 के ऊपर सस्टेन करता है तभी जाके हम कोई बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बाय करने से पहले, मतलब कोई बुलिश ट्रेड लेने से पहले बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेलर थोड़े ज्यादा एक्टिव है, इसलिए हमें बाय सोच समझ के करना है, राइट।
तो अब देखते हैं कि मार्केट सीधा अगर गैप डाउन देता है, देखो क्लोजिंग कहाँ दिया, 44,060 के आसपास, मतलब लो से ऑलमोस्ट 160 150 पॉइंट ऊपर। अगर हम देखा कि मार्केट डायरेक्ट 150 160 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल ही रेड कलर कैंडल बनाता है, बहुत बड़ा कैंडल नहीं बनना चाहिए, नहीं तो मार्केट अगेन साइडवेज हो जाएगा। अगर कोई छोटा मोटा कैंडल बनता है फर्स्ट 5 मिनट या फर्स्ट 15 मिनट में, जैसे उसका फॉलो थ्रू आता है, वी कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। नीचे की तरफ आपका टारगेट हो जाएगा 43,800, 43,700, 43,600 और फाइनल टारगेट होगा 43,500। बहुत बिगर टारगेट देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए प्राइस एक्शन कंफर्मेशन होना चाहिए, डेटा कंफर्मेशन होना चाहिए, राइट। वो मैं टेलीग्राम में डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा, वैसे भी आज के दिन भी हमने डिस्कस किया था टेलीग्राम में, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करना। एवरीडे यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि कैसा मार्केट हो सकता है। अगर आपने सुबह का वीडियो देखा हो, वहां मैंने बोल ही दिया था कि चांसेस आर वेरी मच लो कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट साइडवेज टू बेरिश होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। कितने बजे मार्केट में तब दो ही कैंडल फॉर्म हो रहे थे 5 मिनट के, टाइम देखो यहाँ पे 9:26, एकदम सुबह सुबह मैंने बताया था कि चांसेस आर ह्यूज कि मार्केट बेरिश ही होगा, और वही हुआ, मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया, राइट। चलो ये तो चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ, यहीं पे अगर हम निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है और कल कहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी पे हो सकता है। देखो निफ्टी एकदम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें ये लेवल, ठीक है, 19,248 या 19,250 एक लेवल है, और यहाँ पे कंटिन्यू पहले भी 25 अगस्त और 28 अगस्त यहाँ पे दो बार लो बनाने का कोशिश किया, फिर मार्केट में बहुत तेजी से बायर आए और बायर वापस निकल के मार्केट को यहीं पे लो बना के मार्केट ने एंड किया, मतलब इस एक्सपायरी में, राइट। मगर डेली टाइम फ्रेम आपको दिखाओ तो बहुत डाइसी सिनेरियो हो गया है निफ्टी के पास। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, निफ्टी ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन के आसपास क्लोजिंग दे रहा है, तो अगर कल ये लो ब्रेक होता है देयर विल बी अ हायर सिनेरियो कि मार्केट विद इन 1 to 2 डेज इस लो तक आ सकता है। रेड कलर कैंडल का प्रॉपर क्लोजिंग होना चाहिए नीचे, और एटलीस्ट आप बोल सकते हो मोर देन 4 to 5 आवर्स भी अगर मार्केट इस लो के नीचे रहता है, 19,250 या 200 के भी नीचे रहता है मोर देन 4 to 5 आवर, तो यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है, मार्केट अगेन इस लेवल तक आएगा, और ये छोटा मोटा फॉल नहीं होगा, बहुत तेजी से ये फॉल हो सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई न्यूज के कारण आएगा, ये नॉर्मल फॉल होगा, ठीक है, राइट। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्दर अगर हमें इंट्राडे प्लानिंग करना है कल के लिए क्या कर सकते हैं, और आज का भी मार्केट चेक कर लेंगे। फाइन, आज का मार्केट देखो जैसे बोला था साइडवेज टू बेयरिश होगा, वही हुआ, आज हमने यहाँ पे कॉल सेल कर पैसा कमाया था, प्लस हमने सेलिंग ट्रेड भी यहाँ पे लिया था। फाइन, अब यहाँ पे दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 19,300 अप्रोक्स यहाँ पे है और 19,400 अप्रोक्स यहाँ पे। तो अगर मार्केट गैप ओपनिंग होता है, तीन टाइप का ओपनिंग मार्केट में होता है, गैप अप साइडवेज गैप डाउन, ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमने देखा कि मार्केट कल गैप ओपनिंग दे रहा है, ठीक है, कितना पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट या चलो 100 पॉइंट में गैप ओपनिंग देता है, तो चांसेस आर देयर अगेन सेलिंग आएगा। 100 पॉइंट मतलब आज क्लोजिंग हुआ 280 के आसपास, 100 मतलब 380 या तो 400 के आसपास ओपन होगा, तो अगेन ये सेलिंग जोन है, तो फर्स्ट कैंडल देखना है, अगर उसका लो ब्रेक होता है वापस सेलिंग के लिए हम बैठ सकते हैं। बाइंग कब आएगा, देखो बायर्स को यहाँ पे पावर लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, बायर यहाँ पे प्रॉपर क्या करेगा, बायर कोशिश करेगा यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न बनाने का, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी होगा, बायर अगर अगर बायर को एंट्री करना है उसको एटलीस्ट फर्स्ट 1-2 घंटे के अंदर मार्केट को 19,300 के ऊपर सस्टेन कराना है, अगर ये होता है तो यहाँ पे थोड़ा बुलिश मूव आएगा, अगर ये नहीं होता मार्केट अगेन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये ऐसे रिजेक्शन देके फिर वापस नीचे आएगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसा मार्केट चलता है, अगर ये 300 के ऊपर या 350 या 320 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो बाइंग सिनेरियो देख सकते हैं, बट विद प्रॉपर प्राइस एक्शन बेटर, ठीक है। अच्छा चलो गैप अप का सीन हमने देख लिया, सेलिंग होगा। अब देखते हैं कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज इन द सेंस अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है क्या करना है। अगर मार्केट इस रेंज का, ये रेंज है 19,320 या नीचे की तरफ रेंज है 19,220, अगर इस रेंज में ओपन हो रहा है वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 19,320 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है वी माइट गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड, मतलब कोई बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, और अगर 19,220 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है वी कैन गो फॉर सेल साइड ट्रेड, मतलब कोई बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं यहां पे। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया। अच्छा, गैप डाउन के सीन में थोड़ा सा ट्रिकी सिनेरियो हो सकता है, तो प्लीज कल का वीडियो एक बार देख लेना, कल जो मैं टेलीग्राम में पोस्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ, गैप डाउन होने के बाद फर्स्ट कैंडल प्लीज ऑब्जर्व करना फर्स्ट 15 मिनट का, अगर उसके नीचे प्रॉपर मार्केट आता है और उसके नीचे सस्टेन करता है देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बेयरिश स्टेट, नहीं तो अगेन मार्केट कल साइडवेज भी हो सकता है। तो मैं बताऊंगा आपको लाइव मार्केट में, आइडिया दे दूंगा थोड़ा सा, अगर पॉसिबल हो तो कोई वीडियो बना के पोस्ट करूंगा लाइव मार्केट में कि डेटा क्या बता रहा है, बाकी प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, मार्केट में सेंटिमेंट क्या हो रहा है, मार्केट सेंटिमेंट क्या बुलिश हो रहा है ना बेयरिश हो रहा है, अगर पॉसिबल हो तो बताऊंगा, फिर उस हिसाब से हम ट्रेड का प्लानिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो चलो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंडेक्स एनालिसिस देख लिया कि इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर सकता है कल के दिन में, और निफ्टी में एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों को,
कि निफ्टी में अगर वीकली प्लानिंग करना है, मैं यहाँ पे जस्ट होल्ड कर गया। नॉर्मली हम यहाँ क्या करते हैं, कैलेंडर स्प्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। आज मैंने कोई एंट्री नहीं किया, तो हमारे जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिनको पता है कि हम कैलेंडर स्प्रेड अभी रिसेंटली हमने बनाना शुरू किया है, हमारे ऐप पे पोस्ट मैंने किया अभी तक, तो वहां पे हो क्या रहा है, लास्ट जब हमने बनाया था तब मार्केट यहाँ था। हमारा व्यू एक ही था कि मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। आज के दिन हमें ऑलमोस्ट आवर कैलेंडर स्प्रेड 2.5% का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। ये ओनली स्टूडेंट के साथ शेयर होता है, ये पब्लिक में शेयर नहीं होता है, ठीक है। ये मैं पर्सनली कोई ट्रेड लेने से बताता हूँ, राइट। ये तो चला हो गया। अब मैंने फर्दर ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ब्रेकडाउन के वर्ज में, ब्रेकडाउन के वर्ज में मार्केट कुछ भी कर सकता है, या तो तेजी से ऊपर भी जा सकता है या तो तेजी से फॉल भी कर सकता है, तो कोई भी ट्रेड लेना थोड़ा सा खतरनाक होता है क्योंकि बहुत जोर से यहाँ पे मूव आएगा। तो अभी मैं वेट करूंगा मंडे के लिए या कल का मार्केट चेक करूंगा कैसा मार्केट होता है, उस हिसाब से फर्दर डिसीजन ले सकता हूँ, फाइन। चलो अब क्विकली हम अपने स्टॉक्स में आते हैं। स्टॉक में आने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लेना, जिससे आपको एवरी डे हमारा वीडियो यहाँ पे मिलता रहे, ठीक है। चलो अब हम कुछ स्टॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे हम रख रहे हैं, दैट इज वोल्टास। अब इसको मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, थोड़ा सा लर्निंग दूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा रखने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 11 to 12, 10 मिनट्स हो चुका है। इस चीज को ऑब्जर्व करो, ये स्टॉक है वोल्टास, बहुत दिनों से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, फिर स्लो एंड स्टडी अपना हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है। पर्टिकुलर स्टॉक जहाँ पे अभी स्टैंडिंग है यहीं पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। क्या हो सकता है, मार्केट या तो रेजिस्टेंस से मार खा के नीचे आएगा या इसको ब्रेकआउट करके ऊपर भागेगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है डेली टाइम फ्रेम में। इसी को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, अब हमें आज का दिन क्या देखने को मिला, आज स्टॉक ने सबसे पहले बिगर मूव दिया, देखो साइडवेज मार्केट कल भी था, बिगर मूव दिया फिर सारा दिन साइडवेज रह गया और लास्ट में थोड़ा बाइंग दिखाया, मतलब लास्ट में थोड़ा बायर इंटरेस्टेड थे यहाँ। तो नेक्स्ट दिन में हमें यही देखना है, वोल्टास को 872 के ऊपर ले जाया जा रहा है कि नहीं जा रहा, अगर जाता है वी कैन गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड, ठीक है। अच्छा एक और चीज है कि अगर मार्केट ज्यादा गैप ओपनिंग होता है, देखो ये चीज मैं कई दिनों से डिस्कस कर भी रहा हूँ आप लोगों के साथ, साइडवेज मार्केट होने के बाद अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप ओपनिंग होता है, चांसेस आर ह्यूज की मार्केट सेलिंग के लिए ही आता है, ठीक है, चांसेस आर ह्यूज वही होता है और हमने आज के दिन भी देखा था, वैसे स्टॉक मूव भी किया था, राइट। तो चलो अब फिर देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें सेलिंग के लिए कब बैठना है। तो ये यहाँ पे नीचे लेवल मार्क कीजिए 864 लेवल, अगर ये 864 के नीचे सस्टेन करता है वी माइट गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। नीचे की तरफ आपका टारगेट 1:1 मिनिमम रहेगा, अपसाइड में अगर मार्केट प्रॉपर बाइंग दिखाता है तो 1:2 का भी टारगेट हम सेट कर सकते हैं, मगर वो प्रॉपर सेटअप के साथ होगा। तो एग्जैक्टली मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, कैसा ट्रेड लेना है, कब बाइंग सोचना है, किस लेवल के ऊपर सोचना है, लाइव मार्केट में डिस्कशन होगा, वो मैं अगेन YouTube में नहीं बताता, वो मैं हमेशा टेलीग्राम बताता हूँ। तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, क्योंकि देख रहे हो बहुत सारे लोग यहाँ पे व्यू करते हैं, बहुत व्यू आता है यहाँ पे, तो एक्चुअली मुझे देखे भी अच्छा लगता है कि आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हो। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो फिर डेफिनेटली निकल के जा चुका होता अभी तक वीडियो से, राइट। तो चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला स्टॉक है बाटा इंडिया। अब इसको देखने का रीजन क्या, अगेन डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, वीडियो में थोड़ा सा लर्निंग टाइम यहाँ पे रखने वाला हूँ। इसको देखो, इतना बिगर ग्रीन कलर कैंडल आया था, मतलब बाइंग यहाँ पे तो बहुत तेजी से होना चाहिए था डेली टाइम फ्रेम में। हुआ क्या, ये प्रीवियस एक रेजिस्टेंस से ही अपना कंटिन्यू सेलर प्रेशर दिखा रहा है, सेलर यहाँ पे अपना प्रेशर दिखा रहे हैं, फिर मार्केट नीचे आया, टाइप ऑफ यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, अगला कैंडल बाइंग। अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज दिस पैटर्न कॉल्ड, इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, मुझे डिटेल बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करूंगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और ये भी बताना कि ये पैटर्न फेल हुआ ना पास हुआ, ठीक है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वही मुझे बताना। अब मैं फर्दर बता देता हूँ कि इस पैटर्न के बाद जो रेड कलर कैंडल आया है यहाँ पे सेलर्स अपना प्रेशर कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कल के दिन हमें बस यही वेट करना है कि ये लो ब्रेक होता है कि नहीं होता, इसने जो लो बनाया आज का और कंटिन्यू जो लो यहाँ पे बन रहा है, ये लो फर्दर ब्रेक होता है कि नहीं होता वो चेक करना है। अगर ब्रेक होता है तो वी माइट गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। नीचे की तरफ एक लेवल मार्क करेंगे, अप्रोक्स ये लेवल है 1681-82 का लेवल होगा। तो नीचे की तरफ हमें देखना है 1681 के नीचे अगर स्टॉक सस्टेन करता है, बाटा इंडिया सस्टेन करता है, वी माइट गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। बाइंग साइड में जाने के लिए हम वेट करेंगे 1700 लेवल का। अगर मार्केट यहाँ ओपन होके भी अगर साइडवेज जाके भी अगर अपसाइड ब्रेक करता है 1700 लेवल को और साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड। तो आई होप क्लियर हो गया, 1700 के ऊपर हम बाइंग देखेंगे, 1681 के नीचे हम सेलिंग सिनेरियो यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। अब एकदम लास्ट स्टॉक है, एकदम लास्ट स्टॉक, यहाँ भी सेम सिनेरियो, देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज था आज सारा दिन, आज का दिन ये दो दिन से साइडवेज चल रहा है, तो देर से हायर सिनेरियो कल के दिन यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो लेवल मार्क करेंगे, अपसाइड में यहाँ पे लेवल है 2232 लेवल, अगर हमने देखा 2232 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है कल के दिन में, एक मैसिव अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब गैप ओपनिंग के सीन में आपको बताया क्या करना है, ज्यादा गैप ओपन नहीं होना चाहिए, मार्केट या तो यहीं पे ओपन हो, स्लो एंड स्टडी नीचे आए, फिर अपसाइड ब्रेक करे, वो भी होने से भी हम कोई
बाइंग सिनेरियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे की तरफ लो बन रहा है 2195 के आसपास, मैं नॉर्मल आपको 2200 लेवल बोल सकता था 2200, बट उसके नीचे लो मार्केट ने बनाया। अगर कल हमने देखा कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे सस्टेन करता है, 2195 के नीचे सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। मतलब बाई लेवल हमारा होगा 2232 के ऊपर, सेलिंग लेवल हमारा होने वाला है 2195 के नीचे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ लर्निंग आपको मिला यहां, तो प्लीज वीडियो लाइक करो और शेयर करो, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं अपने अगले दिन में, कल के सुबह की वीडियो में मिलेगी, राइट? थैंक यू एवरीवन।